मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सिंचाई विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नहर में पानी गंदा बंद करो, नहर में गंदा पानी बंद करो, बंद करो, सैयद राजा की गंदा पानी नहर में बंद करो, बंद करो, सैयद राजा की बंद करो, बंद करो, बंद करो, सिंचाई विभाग मुर्दाबाद। रामानंद सिंह यादव है, मैं भारतीय किसान यूनियन वाराणसी मंडल का महासचिव हूँ। घर हमारा बगल में बरगा पड़ता है। मेरा है समस्या, किस समस्या को लेकर आप यहाँ उपस्थित हुए? समस्या यह है कि सदराजा नगर पंचायत कस्बे की पूरा गंदा पानी हमारे नहर में आकर गिर रहा है, और ये जो प्रशासन की उदासीनता से, सही विधायक के उदासीनता से, माने सभी लोगों की उदासीनता से, अधिकारियों की जो उदासीनता है, वह प्रभाव जो है हमारे किसानी पर पड़ रहा है। हमारी किसानी जो है धान गेहूं की मुख्य फसल होती है हमारे यहाँ, और इस गंदा नाला का गंदा पानी जो है हमारे खेतों में जाता है, और खेतों में जब जाता है तो हमारे खेतों में जो उगे फसल हैं उसमें कीड़े लगते हैं, उसमें जो है रोग लगते हैं, और इसकी देखभाल रख रखाव हम लोग करते हैं। लेकिन हम प्रशासन से कहना चाहेंगे, जिलाधिकारी महोदय से कहना चाहेंगे, और नहर के एक्सटीजन से कहना चाहेंगे कि तत्काल इस पानी को रुकवावें, गंदा पानी इस नहर में नहीं आवे, और नहर की सफाई करवावें, जिससे कि हमारा फसल जो है बर्बाद होने से बच जाए। अगर ये नहीं रुकता है तो क्या करेंगे? अगर ये रोकने में असफल होते हैं, प्रशासन के लोग नहीं रुकवा पाते हैं, तो हम किसानों की तरफ से, किसान यूनियन की तरफ से, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, हम भारतीय किसान यूनियन के झंडा बैनर के नीचे हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, और उसकी सारी जिम्मेदारी जो है जिला प्रशासन की होगी। सदस्य, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मैं नहर पर इसलिए हूँ कि नगर पंचायत सैयद राजा द्वारा ये जो सिंचाई विभाग की जो नहर है, इसमें गंदा पानी गिराया जा रहा है, जो कि तमाम परिस्थितियों के बाद भी आज प्रशासन के नॉलेज की बात है। इन लोगों ने कहा था कि एक महीना तो दो महीने में हम लोग नाली पर बनवा देंगे। एसडीएम साहब भी आए थे, सीओ साहब भी आए थे, सिंचाई विभाग को जानकारी होते हुए भी इसमें में पानी गिराया जा रहा है। अगर एक गंदा पानी अगर खेतों में जाता है तो कीड़े होंगे, और धान में, गेहूं में झोंसा रोग लगेगा, और वही गेहूं और चावल अगर बच्चे खाएंगे तो रोगी होंगे। कहने का मकसद ये है कि समस्त जानकारी के बावजूद भी प्रशासन आज के डेट में इस नहर पर ध्यान नहीं दे रही है, जो कि सिंचाई विभाग का इंजीनियर भी आता है, एक्सियन भी आ करके देखे हैं, उनके बेलदार आ करके देख रहे हैं, लेकिन सिंचाई विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नहर की स्थिति यह है कि नहर में देखेंगे आप तो चारों तरफ से कूड़ा उसी नहर में इस दुकानदारों द्वारा फेंका जा रहा है, इस पर भी ध्यान नहीं दे रहा है, जिसमें कि सरकार कहती थी कि हम गंगा मैया को साफ करने आए हैं, इस नहर में गंगा माँ का पानी आता है, जिस गंगा माँ के पानी से इस क्षेत्र की किसी सिंचाई होती है। हम प्रशासन से अनुरोध करना चाहता हूं, तत्काल इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो किसान इसी स्थान पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, हमारी नहीं होगी। मैं अनुरोध करना चाहता हूं डीएम साहब से कि आकर करके पूरा जांच करा लें और देख लें कि सच्चाई में क्या है। इस छलके की छलका की हालत यह है कि जर्जर